सोलन नगर परिषद सोलन में वार्ड नंबर 4 में 3 महिलाओं स्वाति, किरण और रेखा ने पार्षद के उपचुनाव के लिए नामांकन भरा था, लेकिन रेखा ने भाजपा नेता राजेश कश्यप की अध्यक्षता में नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके चलते त्रिकोणीय मुकाबला अब कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला बन चुका है। यही वजह है कि रेखा के नामांकन वापस लेने से कांग्रेस और भाजपा नेता ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और कईयों की प्रतिष्ठाएं दांव पर लग चुकी हैं। हालांकि ये एक छोटा चुनाव है, लेकिन सत्ता में होते हुए अगर भाजपा इस सीट को जीत नहीं पाती तो कांग्रेस के लिए ये जीत संजीवनी का काम कर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार में आखिर कौन जीत हासिल करता है। इस मौके पर रेखा ने नामांकन वापस लेते हुए कहा कि वे भाजपा समर्थित उम्मीदवार स्वाति के पक्ष में अपना नाम वापस ले रही हैं और वह चाहती है कि वार्ड नंबर 4 के मतदाता भाजपा समर्थित उम्मीदवार स्वाति के पक्ष में वोट डालकर भाजपा को विजयी बनाए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप, नगर परिषद अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुर, दीपक मौके पर मौजूद रहे। सरकारी आदेशों के तहत प्रदेश भर में 1 दिसंबर से सरकारी डिपो से अगर राशन कार्ड उपयोग में नहीं लाया जाता तो उनका राशन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन वह राशन कार्ड का अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग कर सकेंगे। सरकारी राशन की दुकान से राशन नहीं लेने वालों के लिए सरकार डिपो का राशन ही बंद करने जा रही है, यानी कोई कार्ड धारक अगर सस्ते राशन की दुकान से राशन सामग्री नहीं खरीद रहा तो उससे 1 दिसंबर से अब राशन नहीं मिल पाएगा। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सस्ते राशन की दुकानों से कार्ड धारक द्वारा राशन नहीं खरीद जाने पर उसे बाहर बेचा जा सकता है। इसलिए सरकारी फरमान है कि भविष्य में राशन न लेने वालों का कोटा ही बंद कर दिया जाए। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक मिलाप सौंडिल ने 1 दिसंबर से राशन न लेने वालों का कार्ड बंद करने वाली है, लेकिन राशन कार्ड का प्रयोग अन्य सुविधाओं के लिए बराबर जारी रहेगी। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक मिलाप सौंडिल ने बताया कि सरकारी डिपो में राशन की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड को राशन के लिए अवैध घोषित करने को कहा है जो राशन लेते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राशन न लेने वाले कार्ड धारकों का कार्ड समाप्त नहीं होगा, उन्हें अन्य सुविधाएं तो मिलती रहेंगी लेकिन भविष्य में राशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो किसी कारणवश डिपो से राशन नहीं खरीदते हैं, वे अपनी इच्छा से इस सुविधा को विभाग में आकर बंद भी करवा सकते हैं, जिससे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा राशन डिपो में बर्बाद ना हो ताकि किसी अन्य स्थान पर इसकी आपूर्ति की जा सके। सोलन के दिल कहे जाने वाले गंज बाजार में एक पार्क स्थित है। ये पार्क अब विवादों की जड़ बन चुका है। जहां एक ओर इस पार्क के निर्माण को लेकर विजिलेंस की जांच चली हुई है, वहीं अब इसके रखरखाव को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सोलन के व्यापारियों ने कार्यकारी अधिकारी को पार्क की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी और कहा कि पार्क के द्वार पर पिछले काफी समय से कूड़े का ढेर और रोड़ी बजरी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को पार्क में आने जाने में भारी असुविधा हो रही है। यही नहीं, पार्क की सुंदरता पर भी ये कचरा ग्रहण की तरह दिख रहा है। सभी व्यापारियों ने इस पार्क की हालत को जल्द दुरुस्त करने के लिए कार्यकारी अधिकारी को आग्रह भी किया। इस मौके पर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ललित कुमार ने कहा कि व्यापारियों ने उन्हें पार्क की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया है, जिसे दुरुस्त करने के आदेश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। जल्द ही इस पार्क की स्थिति को सुधारा जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को इस पार्क के बेहतर रखरखाव के लिए धन्यवाद भी किया। सोलन के मौसम में सुबह से ही बदलाव देखा गया। सुबह करीबन 4 बजे से ही लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते सोलन के तापमान में बेहद कमी दर्ज की गई है। बारिश क्योंकि सुबह के समय आरंभ हुई थी, इसके लिए लोगों की दिनचर्या भी बारिश के कारण ही प्रभावित हुई, लेकिन सोलन वासी इस बारिश का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और अचानक हुई बारिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और व्यापारी भी इस बारिश में आने वाले समय से अच्छे व्यवसाय की उम्मीद कर रहे हैं।
अशोक और रमेश शहर वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें बारिश का काफी दिनों से इंतजार था। बारिश होने की वजह से तापमान में बेहद कमी आई है और उन्हें सूखी ठंड से भी निजात मिली है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ओलावृष्टि भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सूखी ठंड पड़ने से शहरवासी काफी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें बीमारियों से निजात मिलेगी।